सबसे मोर पति मोल बता है डॉक्टर, वहाँ से आना जाना भी करा थे, पूजा आवा थे रोज के कर दर्शन करे बार कसरी में जो भी तकलीफ रही से वो भगवान की भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल कम हुआ, दूर हुआ। एक लोटा जल सब समस्या के हल। नमस्कार, मैं हूँ नागेंद्र निषाद, आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। ये बेरा में अभनपुर के ग्राम उमरपोटी में हूँ और आप मन ये पेड़ देख सकते हो, ये पेड़ बहुत ही प्राचीन पेड़ है। साथ ही ये पेड़ के छाँव में एक सुंदर मंदिर भी बने, जे माँ ता खल्लारी के मंदिर है। साथ में इमेर ऐसे अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय एक ऐसे चमत्कार इमेर प्रकट हो है कि इला देखे बार लोगन मन दूर दूर से ये जगह में आवत है। तो आप मन देख सकते हो कि इमेर जो है बताया जाते कि भगवान शिवलिंग इमेर अपन जमीन से निकले हुए हैं, जे कि बताते कि ग्रामीण मन पहले ये छोटे आकार में रही से, लेकिन अब ये धीरे धीरे बड़े हो जाते। तो हमारा एकर पूरा जानकारी यहाँ के पुजारी से मन जानना चाहो जी। दादा आप मन बताओ कि ये जो इमर चमत्कार किसी टाइप के हो है, आप मन के आस्था के केंद्र है यहाँ? ये ढलाई हो रही से जमीन है। हाँ, ढलाई हो रही से तब कुछ नहीं रही से, और यहाँ तो जो तो घोलक जल थे और मेला घोलक भरा थे। हाँ। तब वो एक एक मतलब नहीं रही इससे। हाँ। अभी एक दो महीना के अंतर्गत में वो देखे मिली से। अच्छा, तब हम चंबल शमशेन के एक मतलब कौन जानी कहा है कैसे है जी, अब वहाँ नहीं कर पाए मैं। हाँ। पहला दर्शक मन है कि एक मतलब एला देख के कथे छोटे रही से ना। हाँ। तो बढ़ा थे ऐसे कि मोला अभाव दी से। हाँ। तो मोला अभी तक के कथे अभाव नहीं दी से। हाँ। और दो चार दिन हो के एक मतलब आके सब श्रद्धालु मन आके दर्शन प्रसन्न करे थे। हाँ। फूल पान नरियर उरियर अपन चढ़ा थे, तब में आके कहते दे बैठे हूँ अभी। हाँ। हाँ। तो अभी कथे 100-200 आदमी के एक मतलब दर्शन करके चल रहे हैं। अच्छा। इमेर कुछ काकरो मनोकामना पूर्ण हो या ऐसे कुछ चमत्कार लोगन मन में देखे मिली है का? यहाँ तो चमत्कार के एक मतलब खल्लारी माता के श्रद्धालु मनाते ना, अगर मनोकामना कथे पूर्ण करते। अच्छा अच्छा। जोन भी श्रद्धालु आए तो कथे पूर्ण करत के है। और ओकर नाम से खल्लारी माता जागरूकता है। और ओकर माध्यम से अभी शिवलिंग की स्थापना दिखत है। तो हम कथे होते भगवान कौन जानी का रूप में कथे हम दर्शन दे सकते, ओकर बखान नहीं कर सका मैं, ओकर श्रद्धा लेकर के मैं बैठे। तो हमारे मन के साथ में और भी कुछ ग्रामीण मन है, एक मन से जानना चाहो जी भी, आप मन बताओ कि मेरे कब से ये घटना मतलब भगवान के निकले शिवलिंग? अभी से तो एक हफ्ता के पहली हमारे गांव में आवाज जाते है। हाँ। हमारे प्रवीण भाई बताई से। हाँ। हमारे हरीश भाई बताई से भी। हाँ। कि बोला लाइज भी है वो मन बैठाल के। हाँ। कि चल वहाँ शिव देवता है। हाँ। आप मन के जो माड़ी वाड़ी पीरा थे वो दर्द कम हो। हाँ। कैसी टाइप के आप मन के दर्द कम हो कुछ बताऊंगा? अभी तो मैं आ हूँ। हाँ। भगवान जी के शरण में बैठे हूँ। हाँ। हाँ। तो बोला थोड़ा थोड़ा अनुभव होते है कि पीड़ा है थोड़ा कम हो जात है। बिल्कुल। और ऐसे घंटा भर हो गए मोला बैठे बैठे। हाँ हाँ। तो मोला महसूस होते है। हाँ हाँ। और ये श्रद्धा मन आवत है सब दर्शन करे बार। दर्शन करे बार। तो मैं अभी बैठे हूँ अभी। हाँ हाँ। ये बेरा हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के जाने माने यूट्यूबर मोर मितान चैनल के दिलीप भैया भी हमारे साथ में मौजूद है, और ये दृश्य देखे बड़ा है और जो खबर है उन्हें प्रकाशित करे बड़ा है। तो हम जानना चाहो जी भैया बताओ कि ये जो आप मन देखा तो यहाँ बता थे कि जैसे ग्रामीण मना कि मैं शिवलिंग निकले हुए है, तो एक बारे में आप मन के क्या कहना है? अब देखा हो अब लोगन मन के लिए तो ये आस्था केंद्र है जो है उमरपोटी गांव में, जहाँ शिवलिंग निकले खल्लारी माता मंदिर के पास। तो आस्था के केंद्र बने हुए हैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में। हमने देखा था अलग अलग जहाँ में शिवलिंग जो है निकला जाते है, इसे लोगन के कहना है। अब वो शिवलिंग जो निकले है ओला कहीं ना कहीं लोगन मन के लिए आस्था केंद्र बना थे, पूजा पाठ करा थे। और लोगन मन कुछ लोगन मन ये भी बोल देते कि ये अंधविश्वास ला बढ़ावा देते हो इसे। हाँ। तो भाई मानना नहीं मानना अपन ऊपर है, नहीं भाई माना तो पथरा देवता है, नहीं मानना तो पथरा है, नहीं तो अपन ऊपर है। आस्था के दृष्टिकोण से देखो तो आस्था है, चमत्कार के दृष्टिकोण से चमत्कार है जी। फिर आप मन जैसन भी अपन रूप में मानना नहीं मानना अपन ऊपर है। तो मोला भी जानकारी हो इस समय भी यहाँ दर्शन करे बार और अपन चैनल में प्रकाशित कर वीडियो बना बारा जी भी अपन जिसे और भी कितना जगह में इसी टाइप के जो है हो चमत्कार या घटना हो कई कितना जगह में अपन अपन कवरेज करे हो? अब देखा हो कवरेज के बाद कबो तो हम तो किशनपुर भी गए रहे, उर्कुरा भी गए रहे, तिवरैया भी गए हैं और यहाँ भी आहन। तो चौथा जगह हरे मोड़। अच्छा, और ऐसे एक जगह वो निकले करने हैं मुंगा से महासमुंद तरफ जी जी।
और जब ले हमन देखा था जब ले प्रदीप मिश्रा जी के जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण होवत जात है हमारे छत्तीसगढ़ में हो है ओकर बाद से जो है लोगन मन के जो है जैसे हम देखते शिव मंदिर में भीड़ लगातार बढ़त जात है वही कहीं ना कहीं वो एक कारण है प्रदीप मिश्रा जी के कारण जो है लोगन मन के आस्था विश्वास और शिव शंकर के प्रति बना जात है। एक लोटा जल सब समस्या के हल करते हैं तो वो लोटा के एक लोटा जल चढ़ावा आजकल अब मंदिर मन में लोगन के भीड़ बहुत देखे बार मिलते हैं और कहीं ना कहीं ओकर असर भी अब देखे बार मिलते हैं कि जगह जगह शिवलिंग निकला ऐसे है। तो ये रही समर्मन के साथ में मोर मितान चैनल के भैया दिलीप समर्मन के साथ में जो है जो शिवलिंग के दर्शन करे बार आस पास के श्रद्धालु मन भी आए हमारे एक मन से जानना चाहबो कि ये जो चमत्कार हो अपन जो दिखा थे बताओ कर बारे में। दर्शन करे बार आहन सब ला देखें तहने और नहीं तो कहीं दुख हर जाए ऐसे की के जी कौन गाँव वाला हो आप मन वैसे सोट ले आहा जी आप मन बताओ आप मन भगवान के मेरे दर्शन करो आप मन कैसे लगी से भगवान के दर्शन कर ऐसे लगी जाए मनु साक्षात भगवान भोलेनाथ है सबके दुख हरे बार सबके कष्ट हरे कर सबके दुख दरिद्रता दूर करे बार सबके परेशानी दूर कर स्वयं भगवान आके यहाँ विराजमान हुए। जब से हमन शिव महापुराण के कथा सुना था जब से हमन शिव भोलेनाथ के मन चरण में जावा था हमें ऐसे लगते कि हमारे शरीर की हर तकलीफ दूर हो गई है। तो ये है ग्रामीण महिला मन जे मैं भगवान के दर्शन करे बर यहाँ है साथ में और भी कुछ यहाँ जो ग्रामीण है यहाँ के तो एक मन से मैं जानना चाहबो कि मेरे की घटना किसी एक टाइप की घटे किसी चमत्कार है मेरे हो है माता के दरबार में जी ये बताओ कि यहाँ यहाँ किसी टाइप के भगवान के शिव के जो शिवलिंग निकले कर बारे में शिवलिंग मतलब ना हमर धान चले वाली करथन ने कोड़ी वो टाइम के मतलब छोटे मेरी छोटे सा कार में और अभी दिखते देखा था मतलब ना बड़ी टाइप की रिस हो अब दिखते देखा था ना वो हिसाब से ना बहुत बढ़ गया हुआ। अच्छा पहली कौन सा साइज मेरी थी कितना इंच मेरी से कुछ जानकारी मतलब थोड़ा मतलब इतना रिस मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं रिस बहुत बढ़ गया होता। अच्छा तो ये मेरे मतलब ओकर आकार बढ़ाते या अभी वही है नहीं बढ़ाते ना बढ़ाते आकार। अच्छा तो ये मेरा अभी एकर का कार्य योजना है किसी टाइप के पूजा पाठ अभी होवत है एकर बारे में कुछ बताऊंगा। ये पूजा तो जानकारी पड़ जाते हाँ दर्शक मन देख देख के आते पूजा करे थे और ऐसे तो स्थान है मतलब ना जो खिलाड़ी माता के ना जो चैत्र नवरात्रि में मेला भराते ना वो टाइम एकर मारंग दे दृश्य जो मनोकाम पूर्ण हो जाए ना मुनिकर मारंग दे दृश्य मारंग मतलब का होते ओकर जो बकरा काटा दृश्य खिलाड़ी में वो समय नहीं दृश्य है। अच्छा हाँ ये अभी मतलब ना चार महीना होती चार चार हाँ चार ही महीना होती है। अच्छा अच्छा साथ में मेरे अब मतलब दिखाना चाहूँ कि मेरे जो कुछ कुआं भी है ना ये कुआं के कितना साल पुराना कुआं है जानकारी है आप मतलब। अच्छा तो यहाँ ये मेरा अमन देख सकते जो 70-80 साल पुराना है मेरे कुआं भी है जो बताया थे कि मैं 12 महीना पानी भी है मेरा थे आप मन देख सकते अभी भी ये में पानी है जबकि चारों हन अपना और कुछ है तालाब वगैरह नजर नहीं आया लेकिन मेरे कुआं जो है जो कि बहुत ही पुराना कुआं है तो मेरे भगवान देखा जाए तो मेरे वाकई में कहीं ना कहीं आस्था के केंद्र में कहीं ना कहीं ये जो चमत्कार यहाँ देखे मिला थे लोगन ला और उतर पाए के मेर धार्मिक आस्था के केंद्र बने हुए हैं। ये उमरपोटी गांव के जो खल्लारी माता मंदिर प्रांगण में भगवान शिव जो साक्षात है यहाँ निकले हैं और लोगन के आस्था के केंद्र बने हुए हैं। तो आप मन देख सकते हो कि ये जो शिवलिंग है और ऐसे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगह में शिवलिंग आप मतलब देखे बार मिल सकते लेकिन वो जो शिवलिंग बाकी जगह में जो निकले हुए वो जमीन से निकले हुए लेकिन यहाँ आप मन देखे मिल ही कि हमारे जो सीमेंट के जो फ्लोरिंग के ऊपर से भगवान जो निकले हुए हैं वो आप मतलब स्पष्ट रूप से हमें देखे जा सकते हैं। तो आज की विशेष रिपोर्ट हम दो शब्द बोलना चाहते हैं श्रद्धालु जी बताओ। हाँ ये भोलेनाथ जब सुख गए है मोला तो 70 दिन होए मोर जानकारी होए मोला जब से मोर पति मोल बता है डॉक्टर वहाँ से आना जाना भी करा थे पूजा आवा थे रोज के कर दर्शन करे बार शरीर में जो भी तकलीफ रही से वो भगवान की भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल कम हुआ दूर हुआ थी। हाँ और ओकर बताए रास्ता में मैं भी आऊँ आवाज में दर्शन करे बार मैं भी यहाँ भोलेनाथ बहुत अच्छा महसूस हुई।
तो भक्त मन के भी ये कहना है कि एमे राय से एक जो जल के ग्रहण करे से एक जल शरीर में लगाए से लोगन मन के मनोकामना भी पूर्ण होते। साथ में और कुछ ग्रामीण मन है ओकर मन से जानना चाहो जी भी बताओ कि आप मन कुछ बताने वाले हो। हाँ मैं सोट से हेमंत कुमार साहू। हाँ हमन लगभग दो तीन दिन बहुत जानकारी हुआ। अच्छा तो हमारे यहाँ गाँव हमारे गाँव से डॉक्टर नंद कुमार साहू। हाँ हाँ जो यहाँ से आइस दर्शन करी से और एक लोटा जल चढ़ाई। हाँ जल चढ़ाए के बाद में वहाँ वो जल अपन शरीर में जहाँ तकलीफ दी वहाँ लगाइस। हाँ हाँ तो बताइस कि मोर तकलीफ आराम हो गए सकर। हाँ तो आप मन देख सकते हो कि लोगन मन के में जो आस्था के केंद्र में भगवान के दर्शन करे से वो एक लोटा जल चढ़ाए से लोगन मन के जो मनोकामना है जो कष्ट है वो दूर हो जाते जी भैया बताओ। हाँ ये है बात सत्य है। बहुत आदमी बता चुके हैं कि यहाँ जो जल चढ़ाए से जल से लगाए से शरीर में शरीर की तकलीफ दूर होते हैं। तो आप मन देख सकते हो लोगन मन के आस्था के केंद्र बने हुए हैं उमरपुटी गांव के एक खल्लारी माता के मंदिर प्रांगण में और भगवान जो है लोगन मन का कहना है कि साक्षात मेरे स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। तो आज के मोर रिपोर्ट यहीं तक है। मैं हूँ नागेंद्र निषाद वो आप मन देख सकते हो छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।